तुमने बोला था ना घर आके कॉल करना। हाँ तो मैं घर आ गया हूँ, गेट खोल। ओए कुत्ती, तेरा कैमरा। गाइस मेरा ब्रेकफास्ट तो देखो, फ्रेश जूस और प्रोटीन का सोर्स। आप नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ। घर की बहू ऐसी लाओ कि चार लोग कहे कि घर में सबको इसने अपने वश में कर लिया है, घर छोड़ के चली गई। तभी मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि बीवी को अपने वश में कैसे करें। खैर प्यार भी मुझसे बहुत कर दिया। सुबह उसने मुझे कितनी सारी इसने मुझे पुचियां भेजी हैं, वो बात अलग है। उसके ऊपर कुत्ता, सुअर, उल्टी, टट्टी, मिडिल फिंगर, देखा जाए तो ये भी प्यारी है उसका। कुत्ता, सुअर और वो टट्टी, मुझे लगता है वो योगर्ट की इमोजी है, ब्राउन योगर्ट की इमोजी, टट्टी की इमोजी नहीं है यार वो। आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाय द वे ये टी शर्ट के बारे में एक फैक्ट बताना चाहूंगा, अभी भी मैं टेस्टिंग ही कर रहा हूँ इसकी। 6-7 हजार गूगल फॉर्म में एंट्री। यार गदर हो यार आप लोग, अपने लिए एक बार क्लैप कर दो। मैं कैसे करूँ, दो हाथ से ताली बजती है ना भाई। यू गाइज आर ओसम, वेरी ऑसम। अब बस वेट करें जल्दी से वो लॉन्च हो और आपको हम वो भेजना चालू करें। और अभी फिलहाल मैं घर चलता हूँ, शिल्पा को ऐसे गुद्दी से ऐसे पकड़ के घर लेकर आता हूँ वापस। आई एम सॉरी संजू, आई विल नेवर हर्ट यू अगेन, योर सुश। व्हाट द, ये सब चीजें बिलबोर्ड पे अब होने लग गई। अब मैं भी ऐसी करवाऊँ क्या अपनी बीवी को घर लाने के लिए? सुश है कौन? सुशीला, सुषमा, सुष्मिता, यार कोई भी सुश हो, ये कालंदी कुंज पे बिलबोर्ड लगा हुआ है। मेरे को तारीख का याद नहीं है आज कौन सी तारीख चल रही है, पर प्लीज यार नोटिस करो इस चीज को यार, बहुत प्यार करता है वो बंदा आपसे, इतना बड़ा बिलबोर्ड पे छपवा दिया और क्या चाहिए जिंदगी में। अभी मैं जाके अपनी बीवी को मनाता हूँ पहले। ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने ससुराल, वो रहा मेरा ससुराल। और अब मैं करता हूँ पहले तो शिल्पा को कॉल, क्योंकि उसने मुझे बोला था जब आओ तो कॉल कर देना। हाँ भाई। हाँ क्या? चुड़ैल। क्या है? घर आ गया हूँ मैं। कौन से घर? तुम्हारे घर। तुमने बोला था ना घर आके कॉल करना। हाँ तो मैं घर आ गया हूँ, गेट खोल, वरना सर फोड़ दूंगा आज मैं तेरा। तुम यहाँ पे आ गए? हाँ रुक, मैं अभी आता भी हूँ, गेट तो खुला ही होगा ना, बताता हूँ मैं उसको पहले। सर फोड़ देगा आज मैं इसका, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार। हाथ हाँ कर कर बंद। क्या हो गया, तुमने एमटेक करी तो बीटेक मैंने भी करी है, करके दिखा बंद। ओहो बंद नहीं हो रहा। हो कहाँ जा यहाँ से, मैं अपने ससुराल आया हूँ। क्या हुआ, एमटेक की पावर नहीं आ रही? रुक अपने मैं 4 घंटे की जिम की पावर दिखाता हूँ। रुक, मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए फेंका और तुम बीच में आ गई, तुम डंडे के बीच में आई। रुक जा यार, स्लिप हो रहा हूं मैं, आराम से भाग। मैंने कहा मारा, तुम डंडे के बीच में आई। ये बढ़िया था गुरु, आराम से रुक, फेंकियो डंडा मत फेंकियो। शुक्र बनाओ डंडा फेंक के मारा है, अंडा नहीं, which doesn't make any sense। बस, अब तुम्हारा ये वाला डायलॉग काफी हिट हुआ है। आराम से, नो वायलेंस, मैं पास आ रहा हूँ, नो वायलेंस। क्या हुआ? रुक, स्वाद आ गया ये। स्लिप हो रहा यार, स्लिप हो रहा। रुक, वाइपर से मार दूंगा मैं डंडे से ही मारूंगी। साफ हो जाओगी तुम। कम ऑन, यू वांट टू अटैक मी? पागल कुत्ती। तूने मेरे एंकल पे मारा यार।
यार ये गलत बात है यार, तूने मेरे एंकल पे। देखो 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 कितना बड़ा ड्रामे बाज, कह रहे एंकल पे मारा, एंकल शूज में एंकल पे लगा, कितना बड़ा ड्रामे बाज। मैं बताता हूँ तेरे को, ड्रामे बाज हड्डी पे लगी एंकल के। पर अगर लगी है तो इन शूज का फायदा क्या, मुझे बताओ क्यों खर्चा करते इन शूज पे? क्योंकि उन्होंने ये एंकल वाले शूज दिए। कुछ भी मैंने दिए, दर्द हो रही है यार। तेरा कैमरा, तुमने मेरा फोन क्यों फेंका? मुझे अपना 13 दे, मुझे अपना 13 दे। तुमने मेरे फोन को फेंका इस तरीके से, इसके कैमरे के लेंस पे स्क्रैच पड़ गया इसके। मेरे को अपना फोन दे, आईफोन 13 दे मुझे। प्रैंक है? हाँ, कोई छोड़ के नहीं आई हूँ, कुछ काम से आई थी। एक तो शादी पे जाना था और दूसरा मम्मी को मैंने बोला था ऐसे बोलना। तुम इतने आसानी से मेरे से अपना पीछा छुड़वा लोगे? कोई डाउट तुम्हारा रखना दिल में, पागल इंसान। चल चूना लगा दिया। ये मैंने अभी क्या सुना? तो मम्मी आपका बेटा तो गया लखनऊ और अभी मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, घर छोड़ के नहीं एग्जैक्टली, मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि टीम बनने वाली है, क्या धमाका होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं जा रही हूँ अपने मायके थोड़े 2-3 दिन वहीं पे स्पेंड करने के लिए, और इसमें साथ देगी मेरी मम्मी। मम्मी घर छोड़ के नहीं जा रही है, मम्मी बस झूठ बोलने में मेरा साथ देगी। क्या करना पड़ता है तुम लोग के चक्कर में? हाँ तो मम्मी जब उसका साथ दे सकते हो, उसका साथ करो, झूठ वो करो। आपको थोड़ा सा झूठ तो बोलना पड़ेगा, आप ये बोलना कि उन 3 लड़कियों के चक्कर में वो घर छोड़कर चली गई। मैं इतने वहाँ पे अपना थोड़ा जल मारती हूँ, आप परेशान करना मेरी तरफ से। वैसे मुझे मम्मी थोड़ा सा तो आप पे डाउट हो रहा है, कहीं आप भाना ना फोड़ दो, पर प्लीज प्लीज कर लेना, मजा आएगा आपको भी और मेरे को भी। ये अभी तक का बिगेस्ट रिवेंज होने वाला है रोहित पे, हम सब की तरफ से। ये हुई ना बात। पर बोलना क्या है? मैं मम्मी को पहले बताती हूँ। चलो अब मैं जाती हूँ, ठीक है मम्मी, आप यहाँ पे संभाल लेना, इतने तक मैं एक शादी अटेंड करती हूँ और थोड़ा सा रोहित को परेशान करती हूँ। Many minutes later. हम आ गए हैं शादी पे और हम लेट हो चुके हैं एज यूजुअल, बिल्कुल रेडी हो गए खड़े। रेडी होके बैठना चाहिए और क्या, ये यूट्यूब पे नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल जाएगा, नाचना है ऋषा को, नाचना है। मम्मी देखो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, आपको पता नहीं कितना परेशान करते हैं। आप उसका साथ देते हो तब भी आपके साथ मजे लेते हैं, मेरा साथ दोगे तो मैं आपसे मजा नहीं लूंगी। ठीक है पता है अभी रोहित का फोन आया, मुझे लगता है मम्मी ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करा है, उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि हम उसको पागल बना रहे हैं। आन दोस्तों फिर देखते हैं क्या होता है। मम्मी आपका जवाब आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सांप सुन गया क्या, मजा नहीं आया क्या, प्रैंक अच्छा नहीं लगा क्या? शांत हो गया, अच्छा नहीं लगा, वही गुलू गुलू गुलू, वही गुलू गुलू गुलू, मुझे नहीं आया। ओ अपने पे प्रैंक हुआ तो बुरा लगा, बुरा लगा क्या? इसको तो लगता है सांप सूंघ गया, इसकी बोलती बोलती बंद हो गई, कुछ इसको समझ में ही नहीं आ रहा अब क्या बोले, इसके साथ क्या हो गया क्या नहीं हुआ, इसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। खैर एनीवे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक के जरूर जाना, क्योंकि इसको बहुत बड़ा सदमा लगा है और इसी सदमे के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। आपके पीछे से पूरा ड्राइंग रूम खराब कर दिया, मुझे पूल में धक्का दे दिया पटना में, निधि को पूरा दिन रुलाया। मम्मी थोड़ा तो ये सब करना पड़ेगा ना, अब उसको पता चलना चाहिए कि परेशान कैसे होते हैं।